में 11 से 13 मार्च तक आयुर्वेद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जहां पहली बार देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं। तो बता दें कि आयुष मंत्रालय की तरफ से देश भर में हर साल 5 आयोजन होते हैं। यह चौथा आयोजन मेरठ में हो रहा है। मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का झंडा दुनिया भर में बज रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई है। प्रधानमंत्री के विजन की वजह से देश भर में भारत का डंका बज रहा है, दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। सभी पद्धतियों का सम्मान करता हूं, लेकिन आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। मौके पर मुख्यमंत्री योगी की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में आयुर्वेद का महत्व सबको समझ आया। अब यूपी में अपना आयुष विश्वविद्यालय है। इसके साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आयुर्वेद सर्वे भवंतु सुखिना के दर्शन पर आधारित है। भारत आयुर्वेद का मूल स्थल है। हमारा योग आज विश्व अपना रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जा सकता है, जिन्होंने पहली बार परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को आयुष मंत्रालय के रूप में लेकर के और योग, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सब को लेकर के एक मंत्रालय का गठन किया। योग को 2016 से 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज पूरी दुनिया मनाने के लिए उत्सुक है। 21 जून को दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां पर पूरा देश, पूरी दुनिया, कोई प्रांत, कोई जनपद, कोई शहर, कोई कस्बा, कोई गांव, कोई परिवार ऐसा नहीं होता है जो योग की क्रिया के साथ किसी न किसी रूप में न जुड़ता हो। भारत की इस परंपरा के साथ दुनिया को जोड़ने और उसी प्रकार से आयुर्वेद को दुनिया के अंदर स्थापित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, अधिकारीगण, लेडी और सज्जन, भारत गणराज्य के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीश का मैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही मैं इस आयुर्वेद महासम्मेलन में उपस्थित सभी महानुभाव का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज यहाँ बड़ी संख्या में आयुर्वेद विशेषज्ञ इस महासम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं। मैं आश्वस्त हूँ कि इतनी बड़ी भागीदारी आयुर्वेद के प्रचार प्रसार को प्रोत्साहित करेगी। इसके साथ ही WHO द्वारा जामनगर में मॉडर्नाइजेशन मॉडल सिस्टम की स्थापना एक गौरवशाली कार्यक्रम हमारे लिए है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय देश में आयुर्वेद पर्व का आयोजन इस प्रकार। मुझे वो पल याद है जब 6 या 7 अगस्त को निर्वाचन हो गया था, शपथ 1 सप्ताह बाद थी, आप आए। आयुर्वेद वालों को जांच करनी पड़ेगी। माय एनर्जी लेवल वेंट अप और मेरी माननीय मुख्यमंत्री से उस समय चर्चा हुई और मुझे कहने का मौका मिला कि इतना बड़ा प्रांत पहले जिस खबरों में रहता था, थोड़ी चिंता और चिंतन का मामला था, अब हर्ष उल्लास का मामला है। यूपी इज इन द न्यूज दीज डेज फॉर द राइट कोर्स। मुख्यमंत्री जी ने सही कहा, 9 साल में भारत ने
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की वजह से छलांग लगाई है और मुख्यमंत्री जी भी लगा।